नमस्कार आदाब, न्यूज 5 एम जमशेदपुर में आपका इस्तकबाल। आइए नजर डालते हैं जमशेदपुर की खबर पर। पूर्व सांसद सह पूर्वी से कांग्रेस के प्रत्याशी डॉक्टर अजय कुमार ने शनिवार को बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि बीजेपी में परिवारवाद पार्टी पर भारी है। दूसरों पर परिवारवाद का आरोप लगाने वाले बताए कि रघुवर की बहू पूर्णिमा दास साहू, अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा और चंपाई के पुत्र बाबूलाल सोरेन को टिकट देना परिवारवाद के दायरे में आता है या नहीं। बीजेपी में महिला सशक्तिकरण का नायाब उदाहरण है पार्टी के किसी बड़े नेता की बहू पत्नी और बेटे को टिकट दिया जाना। डॉक्टर अजय ने शनिवार को प्रेस बयान जारी कर कहा कि 25 वर्षों से बीजेपी में एक भी ऐसा नहीं हुआ जिस पर पार्टी विधानसभा चुनाव में उतार सके। कहने को तो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है कि इस पार्टी में एक भी नेता नहीं है जो अपने दम पर जमशेदपुर पूर्वी से पार्टी को जीत दिला सके। उससे स्पष्ट है कि पार्टी के कार्यकर्ता सिर्फ झंडा ढोने के लिए ही होते हैं। डॉक्टर अजय ने चुटकी लेते हुए कहा कि शहर बीजेपी में बहू पत्नी और बेटे को टिकट देना परिवारवाद के दायरे में नहीं आता है। बीजेपी कार्यकर्ता और जमशेदपुर की जनता को ये समझना होगा कि जिस परिवार ने 25 वर्षों तक शासन किया और आज भी उसकी सोच सिर्फ अपने परिवार तक सीमित है, 25 वर्षों में क्षेत्र की जनता को मिला क्या? ना पीने को शुद्ध पानी, ना शौचालय, ना बेहतर शिक्षा के लिए कोई कॉलेज और ना ही कोई नया उद्योग जिसमें लोगों को रोजगार मिल सके। यहाँ तक कि जिसके कारण लोगों ने रघुवर दास को मुख्यमंत्री तक बनाया, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद भी जमशेदपुर की जनता को मालिकाना हक नहीं मिल पाया। इस परिवार ने लोगों को धोखा दिया है, अब जनता का निर्णय करना है। एक तो धन्यवाद आप सब लोग हैं। कल जब भारतीय जनता पार्टी की सूची निकली तो मुझे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के प्रति जो है सहानुभूति, और मैं उनका दर्द और कष्ट भी समझ सकता हूं। जमशेदपुर के जितने भी बड़े बड़े उद्योगपति, टीचर, ऑटो चालक, दुकानदार, जिन जिनको हम जानते हैं और जो हमको हमारे पक्ष में रहते हैं लेकिन बीजेपी के कट्टर समर्थक हैं, उन्होंने फोन करके अपने दुख हमको जताया। हम रांची से गाड़ी में आ रहे थे तो ऐसे 15-20 लोग का फोन आया। जब ये लोग इतने दुखी हैं तो हम समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रति जो जो पहले सोचते थे कि ये लोग अलग राजनीति करते हैं, ये साबित हो गया और उनका विश्वास पूरी तरह से टूट गई है कि ये लोग इतने बड़े झूठे और ढोंगी पार्टी, परिवारवाद पर भाषण देने वाली पार्टी है। कोलान में ही जो है परिवारवाद से भर दिया अर्जुन मुंडा जी की पत्नी से, मैं इनका सरदार जी बेचारी रिजाइन कर, रघुवर दास जी का बहू जो कभी कोई बीजेपी के कार्यक्रम में कभी नहीं शामिल, तो जो 25-30 साल से पार्टी का काम कर रहा है, यही उम्मीद था कि रघुवर जी जाएंगे तो एक कार्यकर्ता को मौका दिया जाएगा। शिवशंकर बाबू अच्छे लोग हैं, कद्दावर नेता है, काले जी हैं, अच्छे लोग हैं। देखिए राजनीतिक प्रतिद्वंदी हो सकते हैं लेकिन हमारा उनके प्रति हमेशा जो है सम्मान रहा है। दिनेश भी बुरा नहीं था, अगर परिवार में करना था तो दिनेश जी भी बुरे नहीं थे। पर मैं कह रहा हूं कि गुंजन ये ओझा जी को बाईपास कर दिया, गुंजन जी को बाईपास कर दिया, अभय सिंह को बाईपास कर दिया, शिवशंकर सिंह को बाईपास कर दिया, राम बाबू तिवारी को बाईपास कर दिया, काले जी को बाईपास किया, जबकि अच्छा खासा नेतागण उनके पास रहा है जो इतने साल से पब्लिक के बीच में काम कर रहे। तो आप, मेरा इतना ही कहना है, जो रोज सुबह पब्लिक गरीब आदमी का काम कर रहा है, कोई भी इनमें से सालों से कर रहा है, ये क्या उम्मीद करता है कि हम में से एक आदमी को टिकट मिल जाए तो हमारे पार्टी के कार्यकर्ता में जोश आ गया, कार्यकर्ताओं को टिकट दिया गया। अब गवर्नर भी बनते हैं और बहू को टिकट देते हैं, और अब तो मैं लिखूंगा इलेक्शन कमीशन को कि गवर्नर साहब बोले कि हम छुट्टी लेके यहां रहेंगे। कोई संविधान नाम की चीज है क्या? आप इस्तीफा दे दो ना, आप प्रचार कर, अगर देश की जो है संविधान को जो है ना ये चीर चीर मत कीजिए। हम तो लिखित देंगे, हम तो एक आदमी को पूरी तरह से कैमरा के साथ उनके घर के सामने लगा रहे, वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे। रघुवर जी को बोल दीजिए वीडियो रिकॉर्डिंग इसलिए करेंगे क्योंकि ये नहीं, क्योंकि उनके प्रचार से हम डरते नहीं है, हम डरते हैं देश के संविधान का जो है ना
पूरी तरह से जो है बर्बाद करने का, जो है चीर चीर करने का जो इन्होंने जो काम किया है, खुल के जो रघुवर जी बोल रहे। तो रघुवर जी आपको एक मैसेज है, मैं वीडियो रिकॉर्डिंग करूंगा आपके घर के बाहर, यहां तो आप इस्तीफा दीजिए अपने राज्यपाल के पद से। राजनीति करना, राष्ट्रपति हो या राज्यपाल हो या ये संवैधानिक पद पर इलेक्शन कमिश्नर हो, अलग अलग संवैधानिक पद के लोग, राजनीति हमारे जो भीमराव अम्बेडकर जी हो, नेहरू जी हो, सरदार पटेल, महात्मा गांधी जब हमारे देश की संविधान बनी थी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, तो ये हम लोग ने सुनिश्चित कर दिया था कि संवैधानिक पद पर लोग राजनीति नहीं करें। एक तो भाव करो, फिर प्रचार भी करो, और फिर राजभवन का मर्सिडीज में भी घूमो, ये कहां का न्याय है? तो रघुवर जी हमारा वीडियो रिकॉर्डिंग चलेगा, हम रोज आपके खिलाफ जो है पिटीशन देंगे, क्योंकि ये हम आपसे डर कुछ नहीं है, मुझे ये संविधान बचाना है। और इस तरह के ऊंचे राजनीति और बीजेपी को जो सिद्धांत वाली राजनीति के बारे में ये लोग बोलते हैं, आप देख लीजिए राज्यपाल राजनीति कर रहा है। लेकिन मैं एक चीज बता दूं फिर से, चंपाई जी के बेटे हो, अर्जुन जी की पत्नी हो, दुल्लू मातो का भाई हो, रघुवर जी का बहू, इस तरह का घातक हमला भाजपा के कार्यकर्ता, कांग्रेस या उनके विपक्षी दल ने नहीं किया, जयमन ने नहीं किया, अपने ही लोग ने उनको जो है जिस तरह से बेइज्जत कराया, हम कभी नहीं कर पाते इस तरह के ऊंचे हरकत। हम राजनीतिक रूप से इनके विरोध करते, लेकिन इनको भीतर से खोखला करना, बेइज्जत कराना, नाक रगड़ देना, सिर्फ भाजपा अपने लोग के साथ कर सकती, हम तो नहीं कर पाते, क्योंकि ये ना तो हमारे सिद्धांत है। हम उनको सम्मान देते हैं, हमारे राजनीतिक को विरोधी है वो अपने जगह पर है, लेकिन लड़ाई जो है बैलेट पर है, विचारधारा पर। पर इस तरह से जो है टिकट काट करके, अच्छे लोगों का टिकट काटना, मैं राम बाबू जी हूँ, सभी को मैं अपनी संवेदना प्रकट करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ क्योंकि हम भी राजनीतिक कार्यकर्ता है। अब जिस लड़की, मैं उनके ऊपर टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन उनकी जो बहू है, कहीं से भी दूर दूर तक कोई राजनीतिक कार्यक्रम में नहीं शामिल, कभी किसी का जो सामाजिक काम नहीं किया, फिर राजनीति का क्या मतलब है यार? काम नहीं करोगे तो वंशवादी, परिवारवादी, टिकट में घफला, ये सब भारतीय जनता पार्टी ने जो इतने साल से जो जमशेदपुर के जनता को गुमराह करके, झूठे भाषणबाजी करके जो बेवकूफ बनाया, उन्होंने ये साबित कर दिया कि ये सब पर उनको जो ना पूरी तरह से दबदबा है। परिवारवाद पर, गलत कैंडिडेट चुनने पर, कार्यकर्ता का मान सम्मान को जमीन में घसीटने का, और संविधान को जो है चीत चीत करना, ये इन्होंने साबित कर दिया। धन्यवाद। सुनो, अंधेरा हो चुका है, रात को जला लो लाइटर, क्योंकि मच्छरों से लड़ने के लिए बनना पड़ेगा फाइटर। मगर आपको न लाइटर जलाने की जरूरत है और न ही फाइटर बनने की, क्योंकि आपके घर और जिंदगी को रोशन करने के लिए सिर्फ एक भरोसेमंद नाम बैटरी बाजार ही काफी है, जहां आपको बाइक से लेकर ट्रैक्टर तक की हर क्षमता की बैटरी मिल जाएगी, वो भी वाजिब दाम और आसान मासिक किस्तों पर। चाहे आप किसी भी ब्रांड की बैटरी या इन्वर्टर चाहते हो, बैटरी बाजार आपकी जरूरत पूरी करेगा, साथ ही दमदार सेम डे ऑन स्पॉट होम अवेलेबल सर्विस के साथ अवेलेबिलिटी ऑफ स्टाफ प्रोवाइड करते हैं, ताकि आपका एक लम्हा भी अंधेरे में ना गुजरे।